कई साल पहले का जिक्र है कि समंदर की तह में एक सियाह मोती मौजूद था। बहुत से लोगों ने उसे हासिल करने की कोशिश की। ये बात मशहूर थी कि जो भी कोई उस सियाह मोती को हासिल कर लेगा वो अपनी मोहब्बत को पा लेगा। कई लोग उस मोती को हासिल करने के लिए गए लेकिन कोई भी वापस ना आ सका। समंदर की तह में एक गार था और उस गार तक पहुंचना नामुमकिन था। अगर कोई उस गार तक पहुंच भी जाता तो समंदर की खतरनाक मखलूक का शिकार बन जाता, क्योंकि उस गार से वापसी नामुमकिन है। मैं जरूर वापस आऊंगा। केनान, मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम सियाह मोती की तलाश में नहीं जाओगे। बहुत खूबसूरत लगोगी तुम इस लिबास में। यहां आओ। देखो, मैं बताती हूं तुम्हें, यहां से यहां तक मैं इसमें स्टोन्स लगवाऊंगी। इस तरह और भी खूबसूरत हो जाएगा ये ड्रेस और तुम पर बहुत जचेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, स्टोन्स लगने के बाद कैसा लगेगा? बहुत खूबसूरत लगेगा। मेरी बच्ची से पहने की तो इसे 4 चांद लग जाएंगे। खुश रहो हमेशा। चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? खैरियत तो है? जैनब से मिलने जा रही हूँ बाबा। जैनब की अम्मी को सलाम कहना मेरा। अगर ये उसके नान से मिलने जा रही है तो अच्छा नहीं होगा, बता देता हूँ। अरे नहीं भाई, के नान से मिलने नहीं जा रही, और अगर जा भी रही है तो क्या हर्ज है? तुम्हारी सिवा हम सब राजी हैं इस रिश्ते पे। क्योंकि तुम लोगों के पास अकल नहीं है। उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा ये मुझे मालूम है, तुम लोग कुछ नहीं जानते। अरे खलील, बात को समझे, दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अगर हम उन दोनों की शादी कर देंगे तो वो दोनों बहुत खुश रहेंगे। मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में नहीं दे सकता। नाश्ता दो मुझे। आज उसी की वजह से तुम्हारी बेटी का ये हाल है। अच्छा, उसी की वजह से ये हाल हुआ है? केनान, अगर आपकी मदद ना करता तो आज आप जेल में होते। एहसान मानना चाहिए आपको, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये क्या कह रहे हो तुम मलिक? किस बात का शुक्रिया बताओ मुझे? मैं उस लड़के का शुक्रिया अदा क्यों करूं जिसे मैं पसंद नहीं करता? तुम सब मिलकर मुझे पागल कर दोगे। बेटी, नाश्ता करने के बाद आज तुम्हें मेरा हाथ बटाना होगा, बहुत काम है। आज मेरा ऑफिस लिए नहीं करा सकती आपकी हेल्प, छुट्टी के दिन भी चैन नहीं है। बात सुनो, तुम्हारा बाप हूं मैं। जाने दे उसे, एक ही दिन तो मिलता है उसे छुट्टी का, थक जाती है, आराम करने दे। हमेशा उनकी तरफदारी करती रहना, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है इस घर में। अरे भाई, अब जाने भी देना। बहुत हसास है वो बच्ची, आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए आबरू से। वो बहुत छोटी सी थी जब मेरे पास आई थी, आपसे बेहतर जानती हूँ मैं उसका मिजाज। मैंने सगी माँ का प्यार दिया है उसे। तो मैंने क्या प्यार नहीं दिया हैजल को? सुबह सुबह क्या बातें लेकर बैठ गई हो? मेरे कहने का मतलब हरगिज ये नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि आबरू कहीं हमसे दूर ना हो जाए। तुम्हें आबरू की नहीं हैजल की फिक्र करनी चाहिए, वो उस मामूली से मछुरे को अपने लायक समझती है।
अगर तुम उसे नहीं समझा सकती हो तो मुझे ही कोई राह निकालनी पड़ेगी उसे समझाने के लिए। हाँ, और एक बात सुन लो मैलिक, उस लड़के से कहना अगर उसमें हिम्मत है तो सीधी तरह आकर यहां मुझसे रिश्ता मांगे हेजल का, फिर मैं उसे अच्छी तरह समझा दूंगा, औकात याद दिला दूंगा उसे मैं। वेलकम रॉयल भाई, सफर कैसा रहा आपका? ठीक था। क्या मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। सोले भाई, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया हेजल बेटी। केनान आया नहीं क्या अब तक? अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आ जाएगा कुछ देर में। केनान भाई मछलियां पकड़ने नहीं गए आज? उन्हें मैंने चियोस की तरफ जाते हुए देखा था सुबह। मैंने उन्हें आवाज भी दी मगर उन्होंने सुना ही नहीं। कहीं केनान? सोले भाई, तुम बिल्कुल परेशान ना हो हेजल बेटी। तुम तो जानती हो वो कितना सरफिरा है, लेकिन वो इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। मैं जानता हूँ उसे। केनान, मैंने मना भी किया था तुम्हें। बिल्कुल ही पागल हो गया ये लड़का। आपका मतलब बना पर इस वक्त बंद है। सोले भाई, क्या हम ढूंढने जा सकते हैं उसे अभी? हाँ बेटी बिल्कुल, चलो चलकर देखते हैं कहाँ ये लड़का। केनान भाई आ गए, वो देखें। हेजल बेटी, अच्छी तरह खबर लेना इसकी। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। आ तो क्या हूँ मैं? केनान, मोटर बहुत अच्छी ठीक की है तुमने बेटा। मेरे हाथ लगे हैं, अब दोबारा खराब नहीं होगी। जीते रहो। अरे क्या तुम इंतजार कर रही थी मेरा? यहाँ आओ, बताती हूँ तुम्हें। एक मिनट रुको, बोट बांध के आता हूँ।
था सिया मोती की तलाश में नहीं जाना? कहा था? हाँ हाँ, अब याद आया मुझे। अब मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा कभी। माफी मत मांगो, क्योंकि तुम माफी के काबिल नहीं हो। बात सुनो मेरी, मैं दोबारा काले मोती की तलाश में नहीं जाऊंगा। तुम्हारी जान की कसम फिर ऐसा नहीं करूंगा। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो माफ नहीं करना मुझे। अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? इधर देखो मेरी तरफ। हाँ, क्या मूड ठीक करो अपना। क्या तुम्हें यह लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, क्या तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई नहीं नजर आती? अगर मैंने दोबारा ऐसा किया तो कभी यकीन ना करना मुझ पे। खुदा का वास्ता मान लो मेरी बात। हाँ चलो, मूड ठीक करो अपना। मेरी जान, यकीन नहीं है मुझ पे? यकीन है। पता है तुम्हें मुझे कितनी खुशी है कि तुम खैरियत से आ गए। एक सरप्राइज देना है तुम्हें, चलो आओ मेरे साथ। कहाँ जाना है? अगर बता दिया तो सरप्राइज कहाँ रहेगा? अच्छा बाबा, चल रही हूँ। कादिर भाई संभाल लिएगा, मैं आता हूँ कुछ देर। हुसैन साहब ने भी आने के लिए कहा है। अप्रॉक्स 200 इनवाइटीज हैं हमारे। वेरी गुड। और होटल के कमरों की बुकिंग हो गई है क्या? जी बिल्कुल, आप बेफिक्र हो जाएं। एक्सीलेंट। वुराल, आई मीन अपनी बर्थडे में तो जरूर आएगा ना? लास्ट ईयर वो नहीं पहुंचा था। आएगा यकीनन, उसे कल तक राजी कर लूंगी मैं। भाई ऐसा मत कीजिए, पुरसुकून हो जाए। वुराल भाई मत करें ऐसा। छोड़ो मुझे। क्या हुआ गैंजर? क्या बताओ मैडम, वुराल भाई ने खुद को जख्मी कर लिया है। उनको रास्ते में कोई लड़की नजर आई थी। उनका कहना है कि उसकी शक्ल नाज भाभी से मिलती है। क्या हुआ? ठीक है, अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ। सिनान कहाँ है? मैं होटल चली जाती हूँ मॉम। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो कहाँ होगा इस वक्त। ब्लैक 35। लॉस किया तुमने सिनान? सिनान जवाब दो, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? कुछ ज्यादा नहीं। सब कुछ छोड़ो और फौरन इजमीर पहुंचो। तुम्हारे भाई की बर्थडे है, उससे पहले तुम्हें वहां होना है। बहुत भूख लगी है मुझे। मुझे पहले ये बताओ कि हम जा कहां रहे हैं। ठीक है, तुम मत बताओ। फिर मैं ये लजीज खाना मछलियों को खिला देती हूँ। रुको रुको रुको, मुझे इतनी भूख लगी और ये तो मछलियों को खिला रही हो। हाँ, एक सैंडविच दे दो फिर बताता हूँ। कह दिया ना, एक सैंडविच खाकर बता दूंगा तुम्हें। अगर मैं खाऊंगा नहीं तो बोलने की एनर्जी कहाँ से आएगी मुझमें? बताओ अब। क्या तुम भी ना? अरे बता तो दिया, अब कितनी बार बताऊं मैं। बहुत मजे का है, एक और मिल सकता है मुझे? मैंने कहा बहुत मजे का है, एक और मिल सकता है मुझे प्लीज।
क्या हुआ है तुम्हें? ऐसा कब तक चलेगा? तुमने दोबारा क्यों अपना यह हाल कर लिया? प्लीज बताओ मुझे, मैं जानना चाहती हूं। चलो शाबाश। उसके बगैर नहीं जी सकता मैं, ना उसके बगैर जीना मुश्किल हो चुका है। ऐसा नहीं है, तुम बहुत जल्द भूल जाओगे उसे, देखना। नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता, वो मेरे साथ ही है अब तक। ऐसा कुछ नहीं, तुम अब ख्वाबों में ही देख सकते हो उसे, बस। ख्वाब नहीं, ये हकीकत है, वो जिंदा है। वो नाज नहीं थी। ड्रिंक की है तुमने? नहीं की मैंने, बहुत खूबसूरत थी वो, बहुत हसीन, बिल्कुल मेरी नाज की तरह। उसके चेहरे पे बिल्कुल वैसी ही कशिश थी। तुमने मेडिसिन ली थी आज? जी ली थी मैंने। वो लड़की जिसे तुमने देखा था, हकीकत नहीं, तुम सुन रहे हो ना वराल, ख्वाब था। अगर आपको लगता है जो देखा वो ख्वाब था, तो मेरे लिए इससे ज्यादा खूबसूरत कोई हकीकत नहीं। आज एहतियात से। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? बता दूंगा, सब्र तो करो, बहुत बेसब्री हो तुम। जल्दी बताओ वरना मैं खोल दूंगी अपनी आंखें। बस थोड़ा सा और इंतजार, इस तरफ से आओ, यहां से। बस तुम यहीं खड़ी रहना। हाँ अब ठीक है, अब तुम आंखें खोल सकती हो अपनी। केनान, ये सब कुछ क्या तुमने किया है? क्या सारी बातें यहीं खड़े खड़े कर लोगी? चलो आओ, वहां चल के बैठते, आ जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा केनान। मैं आज रात तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने, और तुम्हारे बाबा का क्या फैसला होता है मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि तुम्हारी अम्मी राजी हैं, काफी है हमारे लिए। क्या ये हकीकत है? जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। मतलब आज रात हमारी मंगनी हो जाएगी और कुछ दिनों में शादी हो जाएगी। हाँ ठीक कहा तुमने, अब मैं खलील साहब की इजाजत का इंतजार नहीं करूंगा बिल्कुल। भूरे बालों वाली लड़की कैसी हो तुम? ठीक हूँ केनान भाई। बाबा को सलाम कहना मेरा। जी बिल्कुल कह दूंगी। केनान बेटा, हम तो खुशखबरी सुनने के लिए बेचैन हैं। इंशाल्लाह आयशा बाजी, इंशाल्लाह। बेटा अगर उसका बाप ना माने तो उसको उठा कर ले आना, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल फिक्र ना करें, ऐसी नौबत नहीं आएगी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर जगह मौजूद होते हैं सवाले भाई। मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जाते हुए मुझे भी ले लेना। ठीक है भाई, और मैं आते हैं। अगर खलील इनकार करे तो हम तुम्हारा साथ देंगे बेटा। रजा अंकल, अल्लाह राजी हो आपसे। फर्नीचर की बिल्कुल फिक्र मत करना, ये और मैं मिलकर इंतजाम कर देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हमेशा खुश रखे आप सबको। ख्याल रखिएगा अपना। फिर ये तो है, क्या कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं? वो दरअसल किनान आ रहा है हेजल का हाथ मांगने, आपसे भी मिलना चाह रहा था वो, तो मैंने उससे कह दिया कि आ जाओ, खलील भी घर पर ही होंगे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है मलिक? शायद मेरी बात समझ में नहीं आई तुम्हें। ऐसा क्या हो गया खलील? मिलना ही तो चाह रहा है, मिल लेना एक बार उससे। किनान अच्छा लड़का है बहुत, बचपन से जानते हैं मुझे। क्या किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से मेरा? मुझे बताना भी पसंद नहीं किया। बात को समझे खलील, अपनी बेटी की खुशी का ही सोच ले। वो लड़का मेरा दुश्मन है, देखो देखो क्या हाल है हमारा, किस हाल को पहुंच गए हम, ये सब उसी बदबख्त की वजह से हुआ है। आखिर आप कब तक इस तरह माजी को कुरेदते रहेंगे? भूल जाए सब कुछ
और वैसे भी जो कुछ हमने खोया वो हलाल नहीं था। हलाल में आखिर मिलता ही कितना है, बताओ मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं आप खलील, कितना अदा किया है उसने, सब कुछ तो है हमारे पास, शुक्र है उसका। हाँ बहुत शुक्र है, हमारे पास तो नोटों के अंबार लगे हुए हैं। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसके यहाँ आने का कोई फायदा नहीं, मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में नहीं दूंगा। मैं कैनान को आने से मना कर देती हूँ। रुको, बेवकूफ मत बनो, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ वो रस्ते में होंगे, किसी भी वक्त पहुँच जाएंगे यहाँ, कॉल करना ठीक नहीं होगा। तो और क्या करूँ, बाबा की बातें नहीं सुनी तुमने? मैं नहीं चाहती कि बाबा कुछ गलत करें उसके साथ। नहीं, इस बारे में मुझे बताना चाहिए था, मेरे इस घर में कोई हैसियत है या नहीं। तुम्हारे रवैये से मुझे तकलीफ पहुँची है, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी मलिक। अगर तुम ही मुझे अहमियत नहीं दोगी तो वो लड़कियाँ क्या इज्जत देंगी मुझे, मेरी औकात ही क्या है इस घर में। ऐसा कुछ भी नहीं है खलील, बात को समझते क्यों नहीं आप? हेजल मोहब्बत करती है उससे, हमें अपना माजी भुला देना चाहिए अपनी औलाद की खुशी की खातिर। खलील मैंने आपको कई बार बताया कि किनान आना चाहता है रिश्ता मांगने, लेकिन आपने सुनी ही नहीं मेरी बात। इसका कोई ना कोई हल तो निकालना होगा, सोचें अपनी बेटी की खुशी के लिए, एक बाप की तरह सोचें। बाप की तरह? क्या मैंने 25 साल से उसे बाप की तरह नहीं पाला? आहिस्ता बोले, कहीं सुन ना ले वो। सुनती है तो सुन ले मेरी बला से। खलील खामोश हो, क्या क्या है आपको आखिर? बस अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो तुम, मैं बात करती हूँ बाबा से। तुम बात करोगी? हाँ बिल्कुल, सब ठीक हो जाएगा, मैं इंशाल्लाह कन्विंस कर लूंगी बाबा को, तुम बेफिक्र हो जाओ। तुम कितनी अच्छी बहन हो मेरी, बाबा मान जाएंगे ना, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब तुम तैयार हो जाओ जल्दी से, वो लोग पहुँचने ही वाले होंगे, बाबा से बात करके मैं राजी करती हूँ उन्हें। ठीक है मैं तैयार होती हूँ, तुम जाके बाबा से बात करो ना। ठीक है। या अल्लाह मेरी मदद करना, पापा मान जाए। बाबा जान, बाबा आप बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं, और आप कभी भी किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचते, और यही वजह है कि आप अक्सर औकात यानी मेरा मतलब है कि बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? तुम भी समझाने आ गई मुझे। बाबा जान गुस्सा ना हो प्लीज, दरअसल मैं ये कहने आई थी आपसे कि इसमें हर्ज ही क्या है, उन लोगों को आने दीजिए ना। मेरा मतलब है किनान अगर हेजल का हाथ मांगने आ रहे तो आने दीजिए। यानी अब तुम उसकी वकालत करोगी मेरे सामने? नहीं नहीं बाबा, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, किनान को हेजल का हाथ मांगने दीजिए, फिर आप उसे मना भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि आप उसके बाप हैं और आपके ही फैसले की अहमियत होगी, और जब वो आपका फैसला सुन लेगा यानी जब आप उसे इनकार कर देंगे तो वो चला जाएगा, और उसकी दोबारा हिम्मत ही नहीं होगी कि वो आपका सामना कर सके। हाँ, ताकि वो पागल हो जाए और मेरी बेटी को भगा के ले जाए। वो क्यों करेगा ऐसा, मैं हूँ ना उसे संभालने के लिए। बाबा जान बात को समझे, देखें अगर किनान गैरतमंद है तो वो आपके इनकार के बाद कभी भी आपके सामने नहीं आएगा और हेजल का पीछा छोड़ देगा हमेशा के लिए। सिर्फ आप ही इस मामले को खत्म कर सकते हैं, सोचे जरा, ठंडे दिमाग से सोचे। उन लोगों से जान छूट जाएगी इस तरह। अहमद जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे, सवाले भाई को भी लेना है रास्ते से। हाँ तुम्हारे चेहरे की परेशानी समझ सकता हूँ मैं, लेकिन बिल्कुल फिक्र ना करो तुम। तुम उस लड़की का रिश्ता मांगने जा रहे हो जिससे प्यार करता है तुम्हारा भाई, क्या इस मुंह से मांगोगे रिश्ता? मुझे अपनी नहीं बल्कि तुम्हारी फिक्र है। ऐसा क्या हो गया जो फिक्र कर रहे हो मेरी? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तुम्हारा मुंह इसलिए लटका हुआ है कि मैं हेजल से शादी के बाद अलग घर में चला जाऊंगा? सही कहा ना मैंने? क्या तुम ये नहीं जानते कि कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे? हाँ
और तुम ये भी जानते हो कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं यहाँ कहीं करीब ही घर ले लूंगा, मुल्क छोड़ के तो नहीं जा रहा ना मैं। बस कर दो किनान, बहुत हो गया। तुम अपना घर बसाओ, खानदान बनाओ, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जब हम उस लड़की के घर पहुंचेंगे तो मुझे मुस्कुराता हुआ पाओगे तुम। अब चलो, चलकर बात पक्की करते हैं तुम्हारी, पहले ही काफी देर हो चुकी है। अब क्या होगा अम्मी? मालूम नहीं, पता नहीं क्या होगा। तुम्हारे पापा ना जाने क्या फैसला करेंगे। अम्मी। हाँ मेरी जान, कहो। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? मैं और केनान बहुत चाहते हैं एक दूसरे को, क्या ये जुर्म है? मोहब्बत करना जुर्म नहीं होता, बल्कि मोहब्बत ना करना जुर्म होता है। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम्हें जरूर मिलेगी, बस साबित कदम रहना तुम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो। रो मत, किनान आने वाला है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। चलो मुंह ठीक करो। आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खुश आमदीद, आइए तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। आंटी कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आपका। आओ बैठो बेटा। वो मर चुकी है, नाज मर चुकी है वराल, एक्सेप्ट करना होगा। मॉम मैं जानता हूं ये, क्योंकि मैंने ही उसे मारा था। प्यार करता था मैं उससे, नहीं चाहता था कि वो छोड़ के जाए मुझे। अपने हाथों में दम तोड़ते देखा है उसे मैंने। सब यहाँ इस मोहल्ले में रहते हैं, किनान हमारा बेटा है और हैजल हमारी बेटी। हम सभी एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से वाकफियत रखते हैं। अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत पूरी करते हुए हम आपकी बेटी हैजल का रिश्ता अपने बेटे केनान के लिए मांगने आए हैं। आप तो जानते ही हैं कि दो मोहब्बत करने वालों को मिलाना सवाब का काम होता है, क्या कहते हैं? आपका क्या ख्याल है इस रिश्ते के बारे में? पहले तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए अहमद? ये तो सब किस्मतों के खेल हैं भाई, इसमें बारियों की क्या बात है। दुरुस्त कहा तुमने, किस्मत का खेल तो उसी दिन शुरू हो गया था जब मुनाफा बंद हुआ था तुम्हारा। मुझे लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। खलील क्यों, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? किनान मछलियां पकड़कर लाता है तो घर में आटा डलता है, ये मेरी बेटी को क्या खुश रखेगा? इसकी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि अपने भाई अहमद की टांग का इलाज करवा सके, कैसे दे दूं इसे अपनी बेटी? खलील साहब माजी को मत कुरेदे, ये इन बातों का वक्त नहीं। आपकी बेटी खुश रहेगी मेरे भाई के साथ। आप हमें अपना फैसला सुनाइए, आप अपनी बेटी का हाथ मेरे भाई के हाथ में देंगे? अगर मेरा फैसला जानना चाहते हो तो कान खोलकर सुन लो, ये मोहब्बत वोहब्बत कोई मानी नहीं रखती।
जब ये पेट खाना मांगता है ना तो ये सब दावे हवा में उड़ जाते हैं। इश्क और मोहब्बत से कुछ नहीं मिलता, खुशियाँ दौलत से खरीदी जाती हैं। आप हमारी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हैं खलील साहब। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि किस तरह से रोजी कमाई जाती है। मेहनत करता हूँ मैं, मजदूरी करता हूँ और इस तरह हलाल रोजी कमाता हूँ मैं अपने लिए, खुश हूँ मैं। ये सब ख्याली बातें, हकीकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। चलो फर्ज करो कि मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हारा रिश्ता कबूल कर लेता हूँ, क्या तुम इसे वो सारी खुशियां दे पाओगे जिसके ये हकदार है? हाँ? जवाब है तुम्हारे पास? दो वक्त की रोटी भी दे पाए तो खुश नसीब मानूंगा इसे। बाबा, मैं केनान के साथ हर हाल में खुश रहूंगी। तुम खामोश रहो बेटा, तुम कुछ नहीं जानती, तुम वो नहीं देख सकती जो मैं देख सकता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है हम दोनों के लिए काफी है, और वैसे भी हमारे दरमियान कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जिंदगी हम दोनों को गुजारनी है और हम दोनों खुश रहेंगे। हम यहाँ फैसला करके आए हैं, अब हमें सिर्फ आपका फैसला सुनना है। नहीं मंजूर मुझे, अपनी बेटी के लिए तुम जैसे शख्स का रिश्ता नहीं चाहिए मुझे। देखिए, हम यहाँ बहुत इज्जत से रिश्ता मांगने आए हैं, आप सोच लीजिए कहीं आपके इस फैसले की वजह से हम बगावत पर मजबूर ना हो जाएं। हम शादी का फैसला कर चुके हैं, तारीख भी तय है। ये क्या बकवास है? मैं तुमसे कह रहा हूँ मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, और तुम मुझे शादी की तारीख बता रहे हो। देखिए खलील साहब, मैं आपसे किसी किस्म की बदतमीजी नहीं करना चाहता, क्योंकि आप उम्र में बड़े हैं और हैजल के बाबा हैं। हर किस्म की बहस अब यहाँ खत्म। मैंने अपना फैसला सुना दिया है आपको। शादी तो मैं करके रहूंगा हैजल से, इजाजत ले रहा था आपसे सिर्फ आपको इज्जत देने के लिए, जो कि आपको रास नहीं आई। कैसे बाप हैं आप? मैं हैजल से और हैजल मुझसे मोहब्बत करती है, शादी करके दिखाएंगे चाहे इसमें आपकी मर्जी शामिल हो या ना हो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, बस बहुत हो गया, दफा हो जाओ यहाँ से। अगर दोबारा हैजल के साथ नजर भी आए तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। ऐसा ना करें, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जहन्नम में जाओ तुम, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। हरगिज़ नहीं, बहुत हो गया। अगर मेरी बेटी की खुशी इसी में है तो दुनिया की कोई ताकत इसमें रुकावट नहीं बन सकती। उम्मीद है समझ गए होंगे आप मेरी बात। मां हूं मैं उसकी, समझ आ गई? बेटा, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ तय करती हूं। क्या? तुमको ये अंगूठी लाए हो अपने साथ? जी जी, अंगूठी है हमारे पास भाई, अंगूठी दीजिए। नहीं, मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास है। मिल गई। खैर का वसीला हुई है मंगनी, ये लो बेटी, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। दुआ है कि तुम दोनों कभी जुदा ना हो, अल्लाह खुशियां दिखाए। आमीन। बोसा दो अपने बाबा के हाथ पे। चलो शाबाश। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि हमारी मंगनी हो गई है। लाओ मुझे तो, मैं ठीक कर देता हूँ इसे। नहीं कर लूंगी मैं, मुझे इसे थोड़ा टाइट करवाना होगा, अभी तो ये मेरी दो उंगलियों में आ सकती है। तुम्हारी ही उंगलियां खा जाऊंगा मैं, जान हो तुम मेरी। कोई सेलिब्रेशन भी नहीं कर सके हम, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है। मालूम था मुझे कि तुम्हारे बाबा इतनी आसानी से रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन इतनी मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी ये अंदाजा नहीं था मुझे। यानी अगर तुम्हारी अम्मी नहीं होती तो सब कुछ खत्म हो गया होता, और हम शायद यहाँ से खाली हाथ चले जाते, और फिर मजबूरन हमें इंतहाई कदम उठाना पड़ता। तुम्हारे बाबा तो बात सुनने को ही तैयार नहीं थे।
हमेशा तुम उदास ना हो। इस हसीन चेहरे पे उदासी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तुम्हारे पापा को मना लूंगा मैं। तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूं मैं। तुम्हारे पापा की मीठी मीठी बातें भी सुन लूंगा, लेकिन मैं उन्हें अंकल ही कहूंगा, बाबा नहीं कह सकता। हाँ, आंटी को अम्मी कहूंगा, उनकी बात और है। ठीक है बाबा, समझ गई। तुम मेरी अम्मी को अम्मी कहोगे, यही काफी है। वो मेरी भी अम्मी है। आखिरकार हमारी मंगनी हो गई। तुम्हें जल्द से जल्द कोई डेट ले लेनी चाहिए हमारी शादी के लिए। बिल्कुल फिक्र ना करो तुम, मैं सब संभाल लूंगा। अब हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जान हो तुम मेरी। अगर मेरे पास में होता तो मैं तुम्हें अभी अपने साथ ले जाता। बखैर। नाश्ता बना रही हूं, करके जाइएगा। ओह, खलील ये तैयार है। कल रात से आप बिल्कुल खामोश हैं। खलील, मैं जानती हूं कि आप समझते हैं कि मैंने गलत किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हैसल की बहुत अच्छी परवरिश की है आपने, एहसान मंद हूं मैं आपकी। लेकिन आपको भी ये बात समझना चाहिए खलील, वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से। क्या हुआ? तुम जानती हो कि मैंने कल रात कितनी सारी फिल्में देखी। सारी फिल्मों में रोमांटिक सीन देखे जा रहा था मैं। क्या तुमने फिल्में देखी? लेकिन तुम्हें तो फिल्म देखना बिल्कुल नहीं पसंद। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ तुमसे? इस तरह से मजाक क्यों उड़ा रही हो तुम मेरा? अच्छा जज्बाती आदमी, तो जनाब ने फिल्में देखी, लेकिन कैसे शौक जाग गया फिल्म देखने का? वो दरअसल मैं प्रैक्टिस कर रहा था। यानी जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं तुमसे प्यार भरे अल्फाज किस तरह से कहूंगा, किस तरह से इजहार करूंगा प्यार का। यकीन करो बहुत मुश्किल काम होता है ये। मैंने बहुत से अल्फाज लिखे भी और फिर आईने के सामने खड़ा हो गया मैं और उन्हें बोलना शुरू किया, लेकिन मुझसे ना हो सका। वो सारे अल्फाज मुझे बेमायने लग रहे थे, यकीन करो मेरा। मैंने उन अल्फाज को आगे पीछे भी करके देखा, लेकिन सब बेकार थे। उनमें से कोई भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो मोहब्बत है उसकी तर्जमानी नहीं कर पा रहा था। मैं फिर आईने के सामने गया और अपने आप से कहा कि किनान, क्या तुम उस लड़की के काबिल हो भी? हाँ सोचो किनान, अगर उस लड़की को इससे ज्यादा की चाहत हुई तो क्या होगा फिर? क्यों सोचते हो तुम ऐसा? मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा कुछ नहीं। मैं आज जो कुछ भी हूं तुम्हारी वजह से हूं।
सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे और तुम्हारी खातिर मैं पूरी दुनिया से मुखालफत ले सकता हूं। तुमसे जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता मैं। तुम ही मेरा सब कुछ हो हैज़ल। तुम ही ने मुझे प्यार सिखाया है और तुम ही ने मुझे जीने का मकसद दिया है। तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं। मैं भी तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूं केनान। तुम क्या एक बार फिर मुझे प्रपोज करने वाले हो? जानती हो मेरी ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारी अमानत है मेरी ये सांसें और मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। कोई तकलीफ तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरेगी। तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए हर खतरा मोल ले सकता हूं मैं। ये सबूत है मेरी मोहब्बत का। मेरे प्यार का इजहार है ये। कैसा लगा?